नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS आईवन डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ मिस कल्याणी जी हैं, जो कि आज आप लोगों का हम लोग कल्याणी जी से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कल्याणी जी का आज यानी कि 8 जुलाई 2023 का ICAR का पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो कल्याणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना परिचय दीजिए थोड़ा। जैसे मेरा नाम कल्याणी कृति, मैं जामतारा की रहने वाली हूँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? सर, पेपर सही था, अच्छा था, मॉडरेट लेवल का था जी। और कुछ क्वेश्चंस बोलूँ क्या? हाँ जी। एक पूछा गया था कि फ्रांस में ब्रिस्टल डे कब मनाया जाता है, और फिर कुछ इससे पंचायत का गठन सबसे था रिलेटेड क्वेश्चन आया था। हाँ। और साइंस से फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ। और सर, और कुछ याद नहीं है उतना। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप ये बताइए, पिछले बार भी पेपर दी थी आप? जी सर। तो पिछले बार के मुकाबले इस बार का पेपर कैसा था? पिछले के मुताबिक सही था इस बार पेपर, मतलब ज़्यादा बढ़िया था इस बार वाला। हाँ, इस बार ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, तो आज सबसे ईजी सब्जेक्ट कौन सा लगा? सोशल साइंस। क्या कारण रहा? सोशल साइंस का क्वेश्चन जनरली आसान था या फिर आपकी तैयारी अच्छी थी? सर, मुझे आती थी, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ था जी। मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट लेवल था क्वेश्चन। और कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा परेशान किया आज? परेशान तो कोई नहीं किया, बस थोड़ा सा साइंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। अच्छा, बस उसके अलावा सब ठीक ठाक था। कितना अटेम्प्ट कर पाए आप? मैं 60+ हुआ है। और पिछले बार कितना कर पाई थी? उसमें 62 आया था सर। अच्छा, और क्या लगता है आज के पेपर के लेवल के आधार पर कट ऑफ क्या रह सकती है? ये तो जब आएगा तभी अनुमान लगाने के लिए आपको कहा जाए तो? पता नहीं सर, अभी तो नहीं कुछ, अभी कोई गेस नहीं कर सकती। मॉक टेस्ट वगैरह लगाती थी आप? जी सर। कहाँ से? टेस्ट बुक पर। कुछ हेल्प हुआ? जी सर। क्या हेल्प हुआ सर? कुछ कुछ क्वेश्चन से आए थे, फंसे थे। हाँ जी सर। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, एग्ज़ाम पैटर्न, इन सब में कुछ हेल्प हुआ? जी सर। मतलब ICAR का जो पैटर्न दिया गया था टेक्स्ट बुक पे, क्या एग्जामिनेशन में भी वही पैटर्न पे क्वेश्चन आया था? पैटर्न तो सर सेम ही रहता है, बस आपको ये है कि कोई भी एक टॉपिक से उठा कर थोड़ा सा डीप करके पूछा गया था। अच्छा अच्छा जी सर। कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन ज़्यादा था। ठीक है, और कुछ कहना चाहती हैं? नहीं सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको रिजल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी सेकेंड शिफ्ट के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जा रहे हैं, तो उसका रिव्यू चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।